आपको पान मंडी की सैर करा रही हूँ। दिल्ली में इस तरह पान मिलता है और ये पान ऑल ओवर इंडिया से आता है और ऑल ओवर इंडिया पर ही ये सप्लाई होता है। और ये देखिए इतने सारे पान हैं क्या होता है। और ये मैं भैया से पान ले रही हूँ और ये मुझे पान पैक करके दे रहे हैं, थैंक यू भैया। और ये भैया यहाँ पर शायद बनारसी पान बेच रहे हैं ना भैया, बनारसी है ना ये पान? और मैं बनारस गई थी तब मैंने ये पान खाए थे, ये बहुत बढ़िया पान है। छोटे बच्चे रोते हैं। और ये गली सीधी जा रही है फ्रेंड्स, ये लाहौरी गेट चौक। लाहौरी गेट चौक से आप थोड़ा सा कदम आएंगे तो यहाँ पर आपको ये वाली गली मिल जाएगी और ये है नया बांस। ये दिल्ली में पान की होलसेल मार्केट है, राम प्रसाद माखन लाल कॉर्नर पर ये दुकान दिखाई दे रही है। इस तरह का स्ट्रक्चर है, कॉर्नर पर शीशे का सा बिल्डिंग है। और ये देखिए सामने लाहौरी गेट चौराहा और ये रहा नया बांस। यहाँ से आप अंदर घुसेंगे, कॉर्नर पर कचौड़ी की दुकान है, उसके सामने भी कचौड़ी की दुकान है। और इस रोड पर अंदर जाकर आपको सौयों दुकानें मिल जाएंगी पान की। ये शुरू में जैसे ही आप चलना शुरू करेंगे, शुरू में ये होम डेकोरेशन की दुकानें हैं जहाँ पर बंजारा मार्केट से भी सस्ता होम डेकोर का सामान मिलता है आपको, मोमबत्तियाँ मिलती हैं और इस तरह का सजावटी सामान 200-300 रुपए में बेहद शानदार आपको इस तरह के मोमबत्ती के लैंप्स मिलेंगे और बहुत सुंदर टी लाइट्स मिलेंगी आपको। ये देखिए एक से एक बढ़िया और बेहद सस्ता सामान है यहाँ पर। बस अब यहाँ से आप आगे चलते जाएंगे तो आपको पान की दुकानें दिखनी शुरू हो जाएंगी। ये भैया मिले 50 रुपए की भल्ले पापड़ी और 20 रुपए की कांजी की प्लेट दे रहे थे, खाई बेहद अच्छी थी। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर पान आता है? अच्छा, और ऑल ओवर इंडिया पान जाता भी है यहाँ पर। ये कौन सा पान है? बंगला पान। और ये बंगला पान है, ये देखिए आपको पान मंडी की सैर करा रही हूँ। दिल्ली में इस तरह पान मिलता है और ये पान ऑल ओवर इंडिया से आता है और ऑल ओवर इंडिया पर ही ये सप्लाई होता है। ये पान होलसेल में मिलता है, पूरी टोकरी लेनी होती है जो कि 400 से 500 रुपए के, 1400 पान की एक टोकरी मिलती है आपको। ये भैया यहाँ पर शायद बनारसी पान बेच रहे हैं ना भैया, बनारसी है ना ये पान? और मैं बनारस गई थी तब मैंने ये पान खाए थे, ये बहुत बढ़िया पान है। और ये काका यहाँ पर पान बेच रहे हैं, काका कौन से पान है ये? पान है बंगला। बंगला पान बेच रहे हैं आप? हाँ बंगला। कब से बेचते हैं? ऐसे हो गया 15-20 साल हो गई। 15-20 साल से पान बेच रहे हैं? हाँ। तो ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होती है आपके पानों की? इनके पानों की ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होती है और आप देख सकते हैं कितने सारे पान हैं। और ये बंगला पान है यहाँ पर और इनको सुपारी और कत्था चूना लगाकर खाया जाता है ना भैया? ये देखिए वाह कितने सारे पान, 1400 पान आता है ये टोकरी में। 1400 पान आते हैं भैया बता रहे हैं, इस टोकरी में 1400 पान है। और ये पान कितने के? 400-500 रुपए के बिकते हैं, 400-500 रुपए के पान बिकते हैं। भैया ये टोकरी कितने की है? ये टोकरी जो है वो 1000 रुपए की है जिसमें कि 800 पान होते हैं। 800 पान इस तरह के आपको 1000 रुपए में मिल जाते हैं। ये देखिए कितने शानदार पान हैं, बहुत ही बढ़िया पान है। और ये सब होलसेल का ही काम है इनका, रिटेल में नहीं बेचते हैं है ना? रिटेल में नहीं बेचते हैं। और ये देखिए पान ही पान है, मुँह में खुशबू आ रही है इनकी। और ये दुकान है यहाँ पर एक, ये पेस्ट सा मिल रहा है, ये क्या है भैया? पान चटनी। इसको पान चटनी बोलते हैं और ये पान पे लगाई जाती है। और इसके अलावा ये कत्था है, ये कत्था पान में लगाया जाता है। और ये कत्थे का क्या रेट है? 1000 रुपए किलो। ये 1000 रुपए का है। और ये किस तरह बनाते हैं इसको, मतलब पान में? पानी में घोल के बनाते हैं इसको, पानी में घोल दें। और ये घुला हुआ पानी में कितने दिन तक खराब नहीं होगा? एक महीने तक ये घुला हुआ पानी में खराब नहीं होगा। इस तरह की टिक्कियां आती हैं जो कि पानी में घोल दी जाती हैं। और जो कत्था आप पान में लगा हुआ देखते हैं वो ये कत्था लगा होता है। और ये कत्था क्यों लगाते हैं? तो दिखा दो, तंबाकू खाने वाले टेस्ट आता है।
स्वाद के लिए। हाँ। स्वाद के लिए ही होता है ये कत्था, सिर्फ स्वाद के लिए ही लगाया जाता है। सफेद भी होता है, एक ये सफेद तरह का भी होता है और एक ये देखना ये बनारसी है वो देसी है। और एक ये देसी होता है और एक ये बनारसी कत्था होता है, थोड़ा सा लाइट कलर है इसका। और इसका भी रेट सेम होता है, इनका रेट अलग होता है। ये तंबाकू होता है जो कि ये भी पान में ही डलता है शायद, है ना, ये भी पान में ही डलता है। और यहाँ पर ये सुपारियाँ भी हैं, ये सुपारियाँ भी हैं। ये सुपारी क्या भाव है भैया? ये वाली तंबाकू है, ये सुपारी नहीं है, तंबाकू। अच्छा, ये चटनी है। सुपारी का है। और मैंने लिया है ये सामान एक पानी में। अच्छा, सुबह फिर इसके बाद उबाल लो। उबाल लो? हाँ, उबालना पड़ेगा कत्थे को। अच्छा, कत्थे को पानी में आप डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये रात भर पड़ा रहेगा। ठीक है, सुबह इसको पानी, उसमें से पानी निकाल दीजिए, पानी हल्का सा पानी रख के, फिर इसके बाद गैस पे रख दीजिए। उबाली गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, फिर उतार के रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा, तब ये पान में लगेगा, तब ये पान में लगे। और इनके पास गुलाब जल भी है, ये देखिए 50 रुपए का। एक लीटर है कि आधा लीटर? एक लीटर लग रहा है ये। और इनके पास ये तंबाकू की बुक बहुत अच्छी वैरायटी है, यानी कि पान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये गुलाब जल कह रहे हैं ये बिरयानी वगैरह में काम आता है, खाने की चीज़ों में, स्वीट डिश में डलता है। और यहाँ पर है सुपारियाँ, इतनी सारी सुपारियाँ हैं यहाँ पर। और ये कौन सी कच्ची सुपारी होती है सर? और ये पान में इस तरह छोटा छोटा काट कर इनको डाला जाता है। ये पान जो है इनमें ये सुपारी का ही टेस्ट होता है। पान का मजा ही तब है जब उसमें सुपारी को डाला जाए। और ये तंबाकू भी, ये कत्था भी लेकर बैठे हैं, कत्था भी है इनके पास। और कत्थे की भी बहुत सारी वैरायटी है, आप देख सकते हैं। और सुपारी की भी बहुत सारी वैरायटी है। और ये यहाँ पर भैया पान बेच रहे हैं, और ढेर सारे पान ही पान, पूरी मंडी है पान की। और ये टोकरियाँ की टोकरियाँ लगाई जा रही हैं, ये सारी पैक होकर टोकरियाँ जाएंगी पान की। ये बंगला पान बेच रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये पान कलकत्ता से आता है, हरा पान है और बहुत ही खुशबूदार है। पूरी गली में पान की खुशबू हुई हुई है, पूरी गली महक रही है पान की खुशबू से, शानदार पान है। और ये सुपारी वाले भैया हैं। भैया, सुपारी क्या रेट की मिलती है? सुपारी का रेट क्या है? 500 रुपए किलो, 550 रुपए किलो है सुपारी का रेट। और यही सुपारी पान में डलती है। और ये है तंबाकू जो कि हुक्के में डलता है। और यहाँ पर मिल रही है चाय की पत्ती भी, लूज में चाय की पत्ती मिल रही है। ये 1 kg का रेट है, ये वाली है 360 रुपए किलो, ये 340 रुपए किलो, और ये 320 रुपए किलो। तो आप कितनी दे देते हैं अगर किसी को 250 ग्राम चाहिए? 250 ग्राम, 250 ग्राम मिल जाती है। मैं स्ट्रॉन्ग चाय कौन सी है इन सब में से सबसे? ये कहाँ की है सर? असम की चाय है जो कि 400 रुपए किलो है, कह रहे हैं बहुत ही ऊंचाई का माल होता है और ये बहुत ही अच्छी है। और इस तरह पूरी सड़क पर ढेरों दुकानें हैं पान की, सुपारी की, इलायची की, सौंफ की, गुलकंद की, ढेर सारी दुकानें हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। वैसे तो यहाँ पर होलसेल का ही माल मिलता है, लेकिन मुझे कुछ पान मिल गए रिटेल में। और यहाँ पर भी मिल रही है सुपारी, और सुपारी भी अलग अलग तरह की है। ये देखिए, ये इस तरह की ग्रे कलर की सुपारी है, ये ब्राउन कलर की है, ये भी इस तरह की सुपारी है, ये भी इस तरह की सुपारी है, और ये कत्था है। और ये तरह तरह का सामान है जो कि पान में डलता है, इनके पास सभी तरह का सामान है जो पान में डलता है। ये है गुलकंद है, और ये अजमेर से आता है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। और 1 किलो का पैकेट 100 रुपए का, 90 रुपए का है, मैं ये 100 रुपए वाला पैकेट ले रही हूँ। और ये है चूना जो कि पान में डलता है, इसमें छोटे छोटे पाउच हैं, एक पाउच खोलिए और आप पान में लगा लीजिए। ये है मीठी सुपारी, ये माउथ फ्रेशनर का भी काम करती है, और एक पैकेट में 65 पाउचेज हैं, 50 रुपीज का पैकेट है, और ये बहुत बढ़िया मीठी सुपारी है। और ये है सुपारी है, हाँ, सौंफ है, सुपारी है, ये पान है, और ये है बनारसी पान। और ये सब होलसेल में मिलते हैं, रिटेल में नहीं मिलते हैं। और ये है गन्ने के जूस की दुकान यहाँ पर, नंद दूध भंडार। और मेरे यहाँ यहीं से ही पनीर आता है, बहुत ही बढ़िया पनीर है, मलाईदार पनीर है। हम कहीं का भी पनीर खा ले, लेकिन वो स्वाद नहीं आता जो इनके पनीर में। 1 किलो का पैकेट सूखी मेथी का 130 रुपए का है, आलू के चिप्स का 1 किलो का पैकेट 130 रुपए का है,
650 रुपए किलो है, 120 रुपए किलो मक्का है और ये 400 रुपए साबुत अखरोट। यहाँ ये इस दुकान का नाम है यहाँ पर बचपन की यादें हैं। जो सौंफ सुपारी यहाँ पर मिल रही है, ये नया बात से ये गली जाती है उल्टे हाथ को, जहाँ पर कि आपको इस तरह की बचपन की यादें, जो बचपन में खाते थे, छोटे बच्चे रोते हैं। और ये गली सीधी जा रही है और यहाँ पर भी मिल रहा है सुपारी, इलायची, सौंफ, यहाँ पर भी सुपारी मिल रही है। और यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट की ये स्पाइसेस की दुकान है, जहाँ पर कि आपको बड़ी इलायची, लौंग, ये सब चीजें मिलती हैं। और ये है काली जीरी है मेरे को, और ये है दालचीनी, दालचीनी भी मिलती है यहाँ पर, और ये भी मिलता है यहाँ पर। ये चिरौंजी होती है और ये मगज के बीज है, जो सब तरह के हैं यहाँ पर, और सारी ड्राई फ्रूट भी है। और यहाँ पर सभी तरह की स्पाइसेस हैं, ये देखिए, पिस्ता है, ये देखिए, ये मोटी इलायची ली है मैंने, और ये है इसका बिल जो कि 800 रुपए का बना है। रागी भी मिल रही है और ये है बाजरा। और यहाँ पर ये कचौड़ी की दुकान है और कहते हैं कि ये दुकान बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैं आई हूँ ये कचौड़ी की दुकान पर और ये ली है कचौड़ी। ये देखिए, दो कचौड़ी दी है और उन्होंने सब्जी है साथ में, आलू की सब्जी लग रही है और ये बहुत ही स्पाइसी सब्जी लग रही है। 20 रुपए की प्लेट है, ये प्लेट 20 रुपए की है। कचौड़ी अच्छी लगी, कचौड़ी भी गर्म है और सब्जी भी गर्म है। पुरानी दिल्ली के टेस्ट के बारे में बता रहे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ की कचौड़ी और ये सब्जी इतनी ज्यादा टेस्टी और इतनी ज्यादा चटपटी इसलिए क्योंकि इसमें पुरानी दिल्ली का स्वाद है। क्या देखिए, ये खाने के बाद इनकी रौनक देखिए चेहरे की, बहुत अच्छी है, बहुत मिलता है। शाही पनीर, नमकीन जीरा पनीर, दही की मीठी लस्सी और नमकीन लस्सी भी मिलती है यहाँ पर। दूध है, ये दूध है, दूध भी, ये अमूल से भी बढ़िया क्वालिटी का दूध है कह रहे हैं। ये पुरानी दिल्ली के लोग हैं, यहाँ से दूध लेकर पीते हैं दुकानों पर, तो कह रहे हैं ये दूध अमूल के दूध से भी ज्यादा बेटर होता है। और ये है फेमस गन्ने के जूस की दुकान नए बांस में, जो कि बहुत फेमस है। और यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताजा, साफ सुथरा धुला हुआ गन्ना था, निकाल रहे हैं गन्ने का। YouTube पर पहली बार दिल्ली की एकमात्र पान मंडी का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपको इसी तरह के व्लॉग्स जल्द जल्द दिखाती रहूं। बहुत जल्दी मिलते हैं।